हेलो फ्रेंड्स, आज मैं और एक सुंदर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, बहुत आसान भी है इसे बनाना। देखिए, ये जो बीच में जो डिज़ाइन मैंने डाला है, इसे चार के मल्टीपल में बनाया गया है और डिज़ाइन के ऊपर और नीचे ये गार्टर स्टिच डाला है। दोनों तरफ से मैंने इसे उल्टा बनाया है और दोनों तरफ एक एक स्टिच लिया है। अब इसे जेंट्स, लेडीज, बेबी स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। पहला दो लाइन हमें उल्टा बनाना है, फ्रंट साइड से शुरू करेंगे। देखिए, ये राइट साइड है लेकिन हमें ये लाइन उल्टा बनाना है। रो वन, रो टू भी हमें उल्टा बनाना है। देखिए, ये रंग साइड है और रंग साइड में हमें सारे स्टिचेस उल्टा ही बनाना है। देखिए, ये रंग साइड सारे स्टिचेस हमने उल्टा बनाया है। रो थ्री राइट साइड है ये। तो ये डिजाइन जो है हमारा चार के मल्टीपल में बनेगा। ये फर्स्ट स्टिच हमने स्लिप करके उतार लिया। अभी देखिए, धागा आगे और तीन फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे, फिर तीन फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसी को हमें पूरे लाइन में कंटिन्यू करना है, रिपीट करना है। तीन फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे रख के और एक सीधा बुनेंगे, फिर एक ये धागा पीछे ले जाएंगे और एक सीधा बुनेंगे और लास्ट जो एच स्टिच है इसे भी हम सीधा बुनाएंगे। देखिए, नेक्स्ट रो जो है हमारा पूरा उल्टा बनाना है। ये हमारा रो फोर, रो फोर हमने उल्टा बुन लिया। नेक्स्ट रो, रो फाइव है। इसे फिर से हमें क्या करना है, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर धागा आके तीन फंदा स्लिप करके एक सीधा बुनेंगे। इसे पहला वाला जो फ्रंट साइड पे हमने चार फंदा का डिजाइन बनाया था उसी को रिपीट करना है। मतलब धागा आगे रहेगा, तीन फंदा स्लिप करेंगे और एक सीधा बुनेंगे। फिर से धागा आगे, तीन फंदा स्लिप और एक सीधा बुनेंगे। इसी को रिपीट करना है पूरे लाइन में। धागा आगे, तीन फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर लास्ट वन हम सीधा बुनेंगे, लास्ट फंदा जो है सीधा बुनेंगे। नेक्स्ट रो रॉन्ग साइड, फिर से पूरा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड पे हमें ये रो पूरा उल्टा बुनना है। फ्रंट साइड में हमें ये डिजाइन डालना है। पहला फंदा फिर से हम स्लिप करेंगे। अभी क्या करना है, एक फंदा सीधा बनाया और देखिए, ये जो तीन फंदा था, ये बीच फंदा को हमें नीचे से इस तरह से सीधा बुनना है। देखिए,
और ये जो फंदा है इसे नीचे से इस तरह से हम ऊपर ले आएंगे। देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन आएगा। फिर हमें क्या करना है, देखिए फिर तीन फंदा सीधा बुनेंगे और ये जो तीन फंदा, ये जो बीच वाला फंदा है इसे हम फिर से यहाँ से नीचे से सीधा बुनेंगे। तो पहला तीन फंदा हम सीधा बुन लेते हैं, और ये जो फंदा है इसे हम सिलाई को इस तरह से नीचे से ले जाएंगे और सीधा बुनेंगे, और फंदा को हम क्या करेंगे इस तरह से नीचे से ऊपर ले आएंगे। देखिए इसी को हमें रिपीट करना है आगे, तीन फंदा सीधा फिर नीचे से सिलाई ले जाएंगे और सीधा बुनेंगे और इसे इस तरह से ऊपर ले आएंगे, फिर तीन फंदा सीधा फिर ये जो फंदा है इसे हम नीचे से सिलाई ले जाएंगे और सीधा बुनेंगे और इस तरह से ऊपर ले आएंगे, फिर तीन फंदा सीधा फिर से सिलाई नीचे से ले जाएंगे सीधा बुनेंगे और फिर से नीचे से ऊपर इस तरह से ले आएंगे। बहुत सुंदर डिजाइन है फ्रेंड्स और बहुत ही आसान है। आप इसे जेंट्स लेडीज बेबी स्वेटर में अप्लाई करेंगे तो बहुत सुंदर लगता है। लास्ट तीन फंदा हमें सीधा बनाना है। ये था राइट साइड में हमारा डिजाइन इस तरह से आएगा। अभी हमें ये वाला स्टिच डालना है जो गार्टर स्टिच बोलते हैं, दोनों साइड से उल्टा बुनेंगे। तो रॉन्ग साइड से एक लाइन हम उल्टा बुनेंगे फिर राइट साइड से एक लाइन हम उल्टा बुनेंगे तो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अभी राइट साइड में एक लाइन हमें उल्टा बनाना है, धागा आगे ले आएंगे और इसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। मैंने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ हमारा ये डिज़ाइन भी कंप्लीट हुआ। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। देखिए ये दोनों डिज़ाइन के बीच मैंने छह लाइंस प्लेन बुनाई की है, फ्रंट साइड पे सीधा और रॉन्ग साइड पे उल्टा। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है। थैंक यू।